बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास इंग्लिश की न्यू इंग्लिश बुक 1 की पहला चैप्टर कर रहे हैं। उसके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। लेसन का नाम है कायदोन, 11th अगस्त 1947। शुरू करते हैं अपना लेसन। एक्सरसाइज 1, वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस कॉन्टेक्चुअली द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बतानी है हमें। कॉन्टेक्चुअल जो ऐसे या जो भी लेसन होता है उसमें जो मतन के हिसाब से जो वर्ड यूज़ हुआ होता है, क्योंकि हर वर्ड की बहुत सी मीनिंग होती है, तो जो उस लिहाज से यूज़ होगा वो हमें मीनिंग बतानी है। वन है हमारा अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन और नोन बिफोर, बेनज़ीर और बेमिसाल। नंबर 2 है सॉवरेन, अ सुप्रीम रूलर, खुद मुख्तार। नंबर 3 पे मॉन्स्टर, जैसे इसकी मीनिंग अलग भी होती है, बहुत बड़ा भूत या बला कहना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या यूज़ हुआ है, अ थिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज, गैर मामूली बड़ी। और नंबर 4 पे है स्टार्वेशन, फाखाकशी, सफरिंग और डेथ काज बाय लेक ऑफ फूड। कलोसल, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, बहुत बड़ा शानदार। नंबर 6 है नेपोटिज्म, अखरबा परवरी, यूजिंग पावर टू अनफेयर एडवांटेजेस फॉर फैमिली। नंबर 7 पे है ऑनरस, ट्रबल और डिफिकल्टी, मुश्किल, मेहनत तलब कठिन। नंबर 8 पे टाइटैनिक, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ, साइज और पावर, बेहद ताकतवर। नंबर 9 है ग्रेवेस्ट, सीरियस, संगीन। नंबर 10 है रिलेंटलेसली, कंटिन्यूइंग इन एक्सट्रीमली वे, बेदर्दी से या बेदर है। एक्सरसाइज 2 है हमारी, कॉलम ए में इन्होंने आपको फ्रेजेस दी हुई हैं और एडियम्स या फ्रेजेस दी हैं, और जिनको बी से हमें मैच करना है और आंसर सी में लिखना है, हमें सी कॉलम में आंसर देना है हमें। नंबर 1 है पुट डाउन, इसका है ई। स्टॉप होल्डिंग समथिंग। नंबर 2 है ब्रिंग अबाउट, इसका है जे। रीड एक्सट्रीमली थ्रूली, रीड और एग्जामिन थ्रूली। नंबर 3 है गो थ्रू, इसका जी आएगा, हैव एन इफेक्ट ऑफ समथिंग। नंबर 4 है कन्फर्ड अपॉन, इसका ए है, ग्रांट ऑफ समथिंग फॉर। नंबर 5 है बाउंड टू, इसका बी आएगा, बी सर्टेन टू। 6 है विथ एन आयरन हैंड, आहनी हाथ से जो कहलाता है उर्दू में भी, इसका एच है, क्योंकि विथ फुल फोर्स। नंबर 7 है टू टैकल द मॉन्स्टर, तो यह है एफ आएगा, टू डील और फेस ग्रेट प्रॉब्लम। नंबर 8 है ब्रिंग टू बियर, इसका है डी में है टू कास्ट समथिंग टू हैपन। नंबर 9 है टू बेरी द हैचेट, ये इसका सी आएगा, टू एंड 5 टू मेक पीस। और 10 है टू लीड समवन टू, इसका है आई, एनकरेज टू डू एन एक्सपेक्टेड टास्क। एक्सरसाइज 3 हमारी, सर्किल करना है करेक्ट ऑप्शन को। नंबर 1 है कायदे आज़म वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट, किस लेवल पे बात कर रहे थे आइंसाज असेंबली से, ये नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे। नंबर 2 है द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, आइंसाज असेंबली का मकसद था मेक कॉन्स्टिट्यूशन, आइन बनाना। नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मीन अ वेव ऑफ, बी है इसका रिवॉल्ट। 4 है द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म इज़ टू, कायदे आज़म के अकॉर्डिंग जो था उनके हिसाब से गवर्नमेंट का काम था मेक लाइन ऑर्डर। नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म द पॉइजनस थिंग इज़ करप्शन, कायदे आज़म के हिसाब से जो पॉइजनस चीज़ हेली सबसे ज़्यादा चीज़ थी करप्शन थी।
नंबर सिक्स से द कॉलोसल क्राइम मॉन्स्टर इज स्टेटेड इन द टेक्स्ट, सबसे बड़ा जो क्राइम था कायद आज़म के हिसाब से वो था ब्लैक मार्केटिंग, जो आज भी वही है, ज़खीरा अंदोज़ी, चीज़ें छुपा के फिर उनको महंगा कर दिया जाता है। तो कायद आज़म ने इस चीज़ को बहुत बड़ा मॉन्स्टर कहा था, ये बहुत बड़ा जुर्म है। नंबर सेवन है, ऑन 11 अगस्त 1947 कायद आज़म वाज स्पीकिंग टू, तो फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी से, पहली कानून साज असम्बली से बात कर रहे थे वो। नंबर एट है, द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बेस्टोड विथ, किस चीज़ से उनको नवाजा गया था, फुल पावर, उनको फुल पावर दी गई थी कानून बनाने की, आइन बनाने की। नाइन है, द थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, क्या चीज़ है जो कॉन्टिनेंट में पार्टीशन से के पार्टीशन के बाद आ गई, वो है नेपोटिज्म, अखरबा परवरी, अपने रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को आगे किया जाता है और दूसरों को छोड़ दिया जाता है पीछे, यानी हकदारों की परवाह नहीं की जाती, सिर्फ अपने रिश्तेदारी को देखा जाता है। नंबर टेन है, द गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ द कायद आज़म मोहम्मद अली जिना आर, उनके प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स क्या थे कायद आज़म के, जस्टिस एंड फेयर प्ले। ये थी हमारी एक्सरसाइज थ्री। एक्सरसाइज फोर है हमारी क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज फोर में क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, वाई द कायदे आज़म वाई वाज द कायदे आज़म फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, कायदे आज़म पहली दसूसा असम्बली से खिताब करते हुए क्यों फ़ख्र महसूस कर रहे थे। वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कायदे आज़म वाज फीलिंग ऑनर्ड, इसलिए फ़ख्र महसूस कर रहे थे बिकॉज अ मेम्बर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ट्रस्टेड हिम एंड इलेक्टेड हिम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान यूनैनिमसली, क्योंकि इसलिए फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि आइन साज असम्बली के अरकान ने उन पर भरोसा किया था और उन्हें मुत्तफ़िका तौर पर, यूनैनिमसली मुत्तफ़िका तौर पर उन्हें पाकिस्तान की पहली नेशनल असम्बली का प्रेसिडेंट चुन लिया था, इसलिए उनको फ़ख्र महसूस हो रहा था। नंबर टू है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म, कायदे आज़म के नज़दीक सबसे बड़ी बुराई कौन सी है। पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड मैनी कर्सेज लाइक ब्राइबरी एंड ब्लैक मार्केटिंग, बट अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म द ग्रेटेस्ट कर्स वाज करप्शन, पाकिस्तान को रिश्वतखोरी और ब्लैक मार्केटिंग जैसी बहुत सी लानतें वर्षे में मिली, लेकिन कायदे आज़म के नज़दीक सबसे बड़ी लानत क्या है, करप्शन, बिकॉज करप्शन इंक्रीजेस इन इक्वालिटी एंड काजेज फ्रस्ट्रेशन एंड हार्डशिप अमंग सिटीजन, क्योंकि करप्शन जो है इनक्वालिटी को बढ़ाती है, अदम मसावात को बढ़ाती है और लोगों में मायूसी का बायस बनती है और उनकी मुश्किलात में इजाफा करती है करप्शन, हकदारों को हक नहीं मिलता और ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जो हकदार नहीं होते। करप्शन लीड्स टू द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मेकिंग इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर कंट्रीज़ टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन राइट्स, और क्या होता है करप्शन की वजह से, बदनवानी हुकूमती इदारों की नाकामी का बायस बनती है, जितने जैसे पाकिस्तान में तो साफ पता चल रहा है कि जितनी करप्शन है, रिश्वत हो रही है, तो कितना उसमें हुकूमती इदारे कितने ख़राब हो रहे हैं, वापडा का देख लें या फिर कम से कम यही देख लें अपना जो बोर्ड होता है, इधर कितनी रिश्वतें और ली जाती हैं और हकदारों को हक नहीं दिया जाता, तो वो इदारे कैसे नाकाम होते जाते हैं। इसके अलावा उसका क्या होता मसला और होता है, करप्शन से ममालिक में इंसानी हकूक को नाफिस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है करप्शन की वजह से, जैसे पुलिस के इदारों में अगर करप्शन है तो आपको फिर आपको इंसानी हकूक, आपके हकूक सही तरह से नहीं मिल सकेंगे आपको। नंबर थ्री है, व्हाट वाज कायद आज़म विजन अबाउट रिलीजियस फ्रीडम, कायद आज़म का मजहबी आज़ादी के बारे में क्या नज़रिया था। द कायद विजन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वाज दैट एवरीवन मस्ट हैव रिलीजियस फ्रीडम एंड दैट द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन एनीवंस रिलीजियस अफेयर, उनका जो विजन था, उनका नज़रिया ये था कि हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल हो और रियासत किसी के मजहबी मामलों में दखल अंदाजी या मुदाखलत नहीं करेगी। As he said in his speech about religious freedom, that
उन्होंने जिसे अपने तकरीर में कहा था मजहबी आज़ादी के बारे में कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स मॉस्क और एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, क्या आप अपनी मंदिरों मस्जिद और दीगर इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, आप जिस मजहब से भी आपका ताल्लुक़ हो, कास्ट और क्रीड, किसी भी मजहब ज़ात अकीदे से आपका ताल्लुक़ हो सकता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट, इसका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी रियासत जो होगी, जो मुल्क की गवर्नमेंट होगी, वो आपके मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी, आपको आज़ादी होगी इबादत की, अपने मजहब पे चलने की। नंबर फोर है, अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म व्हाट लेसन शुड वी लर्न, कायद आज़म के मुताबिक हमें क्या सबक सीखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म वी शुड लर्न द लेसन ऑफ इक्वलिटी बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़। कायद आज़म के बखोल हमें अक्सरियती और अखलियती बिरादरी के दरमियान मसावात का, बराबरी का सबक सीखना चाहिए। एंड देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी, और रंग, जात, नस्ल या बिरादरी की बुनियाद पे तफरीक नहीं होनी चाहिए। ही सेड इन हिज स्पीच दैट नो नेशन कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन। उन्होंने अपनी तकरीर में जैसे कहा था कि कोई भी कौम दूसरी किसी कौम को अपना ग़ुलाम बना के नहीं रख सकती। एंड नो बडी कुड हैव कंकर्ड एनी नेशन, और कोई दूसरी कौम को फतह नहीं कर सकता। देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, इसलिए हमें इससे सबक सीखना चाहिए। मतलब ये कि जब हम किसी दूसरी कौम को दबा नहीं सकते, उसको हमेशा के लिए ग़ुलाम नहीं बना सकते, जैसे मुसलमानों ने, हिंदुओं ने आज़ादी हासिल की आखिर को अंग्रेज़ से, कितना अरसा वो दबा सके, जब उनको आज़ादी देनी पड़ी तो कायद आज़म के बकौल कोई भी कौम दूसरी कौम को पता नहीं कर सकता, उसको अपने ताबे नहीं रख सकता। तो इस चीज़ से हमें सबक सीखना चाहिए और एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि जब हम ग़ुलाम बना ही नहीं सकते तो बराबरी का दर्जा देना चाहिए दूसरों को भी। क्वेश्चन फाइव है, हाउ फार द की आइडियाज़ ऑफ़ कायद स्पीच आर अप्लाइकेबल टू द प्रेजेंट सिनारियो। कायद की तकरीर के अहम नुकात मौजूदा सूरत हाल पर कैसे लागू होते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल हमारे मुल्क की चल रही है, उस पर कायद आज़म की तकरीर के जो नुकात हैं, वो कैसे हम उसको उन पर लागू कर सकते हैं। पाकिस्तान इज़ करंटली फेसिंग मैनी इशूज़ सच एज इंटॉलरेंस, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नेपोटिज़म, ब्राइबरी, ब्लैक मार्केटिंग एंड करप्शन, पीपल फेसिंग वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये चीज़ें वही हैं जो कायद आज़म उस ज़माने में भी थी, और कायद आज़म ने 50-60 साल पहले मना किया इन चीज़ों को, रोकने की कोशिश की, और अपनी तकरीर में लोगों को कहा कि इन चीज़ों से बचना है। वो चीज़ें आज तक मौजूद हैं। पाकिस्तान को अब इस वक्त अदम बर्दाश्त, अमन व अमान की सूरत हाल, और अखरबा परवरी, रिश्वत सतानी और ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन जैसे मसाइल का सामना है, और अभी तक यही है, और लोग तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का भी सामना कर रहे हैं। तो ये हमारे मसाइल हैं। अब ये जब मसाइल हैं, तो इन पे कायद आज़म के स्पीच के की आइडियाज़ कैसे लागू होंगे इन मसाइल को हल करने के लिए। इन दिस सिनारियो वी मस्ट गिव कायद विजन द स्टेटस ऑफ द नेशनल गोल्स। तो हमें इस सूरत हाल में कायद आज़म के जो विजन है, जो उन्होंने जो हमें नज़रिया पेश किया था अपनी तकरीर में, उसको एक कौमी मकसद का दर्जा देना होगा। कौमी मकसद का दर्जा दे के हमें उसको लागू करना होगा, उसका कानून बना के, कि ये चीज़ें मुल्क में नहीं होनी होंगी। एंड वी हैव टू अप्लाई द की आइडियाज़ ऑफ हिज स्पीच टू डेवलप अवर कंट्री, और फिर उनके तकरीर के अहम नुकात को अपने मुल्क पे लागू करके अपने मुल्क को तरक्की देनी होगी। टू डू दिस वी मस्ट डिस्ट्रॉय करप्शन, नेपोटिज़म, ब्राइबरी एंड ब्लैक मार्केटिंग। इस सब के करने के लिए हमें करप्शन को, अखरबा परवरी को, ब्राइबरी को, ब्लैक मार्केटिंग, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा। वी मस्ट इम्प्रूव अवर जस्टिस सिस्टम, हमें अपना जो निज़ाम इंसाफ है उसको बेहतर बनाना होगा। एंड गिव इक्वल राइट्स टू एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हर शहरी को बराबर के हकूक देने होंगे। क्वेश्चन सिक्स है, हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान प्रॉस्परस इन लाइट ऑफ कायद विजन। हम कायद आज़म के विजन की, नज़रिए की रोशनी में पाकिस्तान को कैसे तरक्की याफ्ता, खुशहाल बना सकते हैं।
वी कैन मेक पाकिस्तान प्रॉस्परस बाय फॉरगेटिंग द पास्ट एंड वर्किंग फॉर द पुअर एंड नीडी पीपल ऑफ द कंट्री। तो हम पास्ट को भुला के, माजी को भुला के, माजी में जो कुछ हुआ, जो भी गलतियाँ हुई, इनको भुला कर गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए काम करके अपने मुल्क को प्रॉस्परस और तरक्की याफ्ता या खुशहाल बना सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे से हमें तआवुन करना होगा। एंड गिव इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन, तमाम शहरियों को बराबर के का दर्जा देना होगा। कंसर्निंग देयर कास्ट, कलर एंड कम्युनिटी, सो दैट ऑल कैन पार्टिसिपेट इक्वली इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उनको, जो शहरियों को, उनकी ज़ात रंग बिरादरी के हवाले से बराबर का दर्जा देना होगा ताकि सब मुल्क की तरक्की में बराबर से हिस्सा ले सकें। ओनली देन कैन पाकिस्तान बिकम प्रॉस्परस एंड डेवलप, तभी पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो सकता है। क्वेश्चन 7 है, आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाई द प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पोलिटिकल लैंग्वेज प्रेजुडाइज एंड इलविल, एलोबरेट दीज वर्ड्स। ये कायद अजम की तकरीर में इन्होंने जो जुमला कहा था, ये वो है कि मैं हमेशा इंसाफ और मसावी बर्ताव के उसूलों से रहनमाई करता रहूँगा बग़ैर किसी सियासी तासुब और बदनीयती के। तो इन अल्फाज की वजाहत करनी है हमें कि क्या कह रहे हैं वो। इन दीज लाइन द कायद अजम इज सेइंग दैट ही वुड फॉलो द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले वाइल डीलिंग विद द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इन सतूर में कायद अजम फरमा रहे हैं कि वो मुल्क की शहरियों के साथ मामला करते हुए अदलो इंसाफ के इस्लामी उसूल पर अमल करेंगे। He also promised himself to keep personal and political enmities away. और वो अपने आप से उन्होंने जाती और सियासी दुश्मनियों को दूर रखने का वादा भी किया उन्होंने कि मैं जो सियासत में दुश्मनियाँ हो जाती हैं, दूसरी सियासी जमात होती है उससे दुश्मनी होती है एक तरह की, तो उससे उसको भी दूर रखने का उन्होंने वादा किया। He said that he would never think ill about any community and would treat everyone equally. उन्होंने ये भी कहा वो कभी किसी कम्युनिटी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और सबके साथ यकसा सलूक करेंगे। ये थी एक्सरसाइज 4 हमारी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 है, द टेक्स्ट ऑफ द कायद स्पीच हैज सम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सम ऑफ ओपिनियन, वर्क इन पेयर्स एंड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट फैक्ट और ओपिनियन इन द आंसर कॉलम। हमें बताना है क्या चीज़ फैक्ट है और क्या ओपिनियन है, क्या यानी सच्चाई है और क्या ख्याल है। द कायदे आज़म वॉज प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, तो ये एक फैक्ट है, सच्चाई है कि वो उसके प्रेजिडेंट थे। टू है, होप दैट विद योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली एज एन एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि ख्याल है मेरा कि हम आपकी सपोर्ट से इस आइंसा असम्बली को एक एग्जांपल बना देंगे, तो ये उनका ख्याल था, ओपिनियन था। 3 है, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये फैक्ट है, गवर्नमेंट का ये काम होता है। 4 है, ऑल काइंड ऑफ इनहेबिटेंट्स आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट, ये एक ओपिनियन है कि हर तरह के लोग उधर इस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं। फिर नंबर 5 है, नेपोटिज्म एंड जॉबरी आर सोशल इविल, ये फैक्ट है। 6 है, द माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इज अनप्रेसिडेंटेड, ये ओपिनियन है। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।